ऑडियंस भी बहुत परेशान है, ऑडियंस से पूछते हैं कौन जीतेगा ऑल ऑल के मुकाबले पे। दोनों ही ने बहुत बढ़िया गेम लड़ाया, बहुत मेहनत, और आजम भाई ने ये पेट भी बहुत अच्छा काटा। अब जिसके साथ किस्मत होगी वो उसका गेम है। लेकिन आप किसकी तरफ है? हम तो लखनऊ की तरफ है, तो लखनऊ लखनऊ की तरफ है। बहुत देखिए ऑडियंस भी परेशान होगा, कितनी पब्लिक इधर देखे, ये चारों तरफ ही सब लोग देख, पब्लिक ही पब्लिक है इस ऑल ऑल के मुकाबले में। ऑडियंस बहुत ज्यादा परेशान है, ये कल से चल रहा है भाई, वो जब पेज काटते हैं तो रेंज में छोड़ता है। भाई आपके हिसाब से कौन जीतेगा? भाई जो अच्छा लड़ाएगा वही काटेगा, ऑल ऑल के दोनों प्लेयर अच्छे हैं भाई। अब चलिए देखते हैं कौन जीतता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा परेशान है, कौन जीतेगा? देखिए बहुत चला है नो डाउट, लेकिन भाई लखनऊ ही को जीतना चाहिए है, बाकी जिसकी किस्मत में होगा वो जीतेगा। चलिए दोस्तों फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया है, मुरादाबाद वर्सेस इंटरनेशनल लखनऊ। मुरादाबाद का लड़ रहा है आलम मुरादाबाद और इंटरनेशनल की तरफ से सैफ भाई पेच करेंगे, और मुरादाबाद की तरफ से पेच में भी करेंगे मुताहिर भाई या नदीम भाई। सैफ भाई वो मोनू भाई आगे खड़े हुए हैं और पीछे हैं रिजवान भाई। चलिए तो दोस्तों पेच की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया है, इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस मुरादाबाद आलम मुरादाबाद। पेच कर रहे हैं मोनू इंटरनेशनल, ऊपर से लेफ्ट साइड पे जो पतंग आ रही है वो है मोनू भाई की, और राइट साइड से जो आ रही है वो है मुताहिर की पतंग। पेच सही हो गया दोस्तों, तेजी से पतंग को कम करते हुए अंदर की तरफ आते हुए मुरादाबाद के मेंबर। तेजी से पतंग को कम करते हुए दोनों बहुत ज्यादा फटाव पर रखे हुए अपनी पतंग को। मुरादाबाद के मेंबर एज यूजुअल जैसे पतंग लड़ा रहे हैं ज्यादा ऊपर नहीं आ रहे, अपना झोल एकदम सीधा रख के लड़ा रहे पतंग को। शानदार पतंग लड़ाई है पूरे टूर्नामेंट में मुरादाबाद इंटरनेशनल दोनों लड़ाई है। चलिए मोनू भाई नीचे आ गए, करीब करे मोनू भाई, तेज मारा है सीधा और शानदार पेच मुरादाबाद ने काट दिया है इंटरनेशनल लखनऊ, ये पेच काट दिया और फाइनल के मुकाबले में 1-0 का स्कोर कर दिया है मुरादाबाद ने। और ये पेच काटा है मुताहिर भाई ने, जो कि ये पीछे खड़े हुए चरखी लपेट में, ये है मुताहिर भाई। चलिए फाइनल का मुकाबला रिजवान भाई लगता है पेच करेंगे इंटरनेशनल लखनऊ की तरफ से। 1-0 का स्कोर है, एक काटे हैं मुरादाबाद ने, और अब चलते हैं पेच की तरफ। पहले तो देखिए मुरादाबाद के मेंबर मुताहिर भाई, शानदार एक पेच काटा है, अब पेच आ रहे हैं। दोस्तों फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया है, रिजवान भाई पेच कर रहे हैं इंटरनेशनल लखनऊ की तरफ से, और मुताहिर भाई पेच कर रहे हैं नीचे से मुरादाबाद की तरफ से। 1-0 का स्कोर है, एक इंटरनेशनल कट गया है मुरादाबाद ने, एक काटा है मुताहिर भाई। चलिए लेफ्ट साइड पे जो अंदर आ रही है वो है रिजवान भाई की पतंग, और राइट साइड से जो अंदर आ रही है वो मुताहिर की। रिजवान भाई लड़ा रहे हैं, रिजवान भाई लड़ा रहे हैं फाइनल का दूसरा पेच, कम करा रहे हैं रिजवान भाई। बहुत ज़्यादा पब्लिक भी है फाइनल देखने के लिए, मुताहिर ने बहुत अच्छा काटा है गेम, स्पीड को काटा जो मजबूत दावेदार थी इस ऑल इंडिया टूर्नामेंट विनिंग की। रिजवान भाई जल्दी नहीं कर रहे हैं, वो भी सेम ऐसे ही पतंग लड़ाते हैं जैसे मुरादाबाद वाले लड़ा रहे हैं, झोल के पे उतरने की कोशिश है, पट करा रहे हैं वो, तेज़ मारा है तेज़ गद्दा, और शानदार पेच मुरादाबाद ने काट दिया है और स्कोर को कर दिया है फाइनल में 2-0 का। रिजवान भाई पेच कटे और ये मुताहिर भाई ने दो काट दिए हैं इसी पतंग से। चलिए फाइनल का जो मुकाबला चल रहा है मुताहिर वर्सेस इंटरनेशनल लखनऊ, ये है इंटरनेशनल लखनऊ। सैफ पेच करेंगे इंटरनेशनल लखनऊ की तरफ से, देखिए कितनी पब्लिक है। फाइनल का मुकाबला 2-0 का स्कोर है, दो काट दिए इंटरनेशनल लखनऊ ने, वो मुरादाबाद ने काट दिए दो पेच लखनऊ को। सैफ पेच कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से,
देखिए मुताहिर भाई को देखिए, आगे पीछे इधर उधर रिंग में हो रहे, जैसे खेल रहे हो रिंग के अंदर। मुताहिर भाई मुरादाबाद के मेंबर, देखिए ये देखिए ये आगे गए। चलिए अभी पेच सही नहीं हुआ है, पेच सही हो गया दोस्तों, पेच सही हो गया। पेच सही होने से पहले ये होता है, पेच सही इसलिए कहा जाता है कि जब तक पेच सही नहीं होगा उससे पहले आपकी पतंग टूट जाती है या कुछ भी हो जाता है तो कटा नहीं माना जाएगा। चलिए बाहर की तरफ जा रहे हैं मुताहिर के मेंबर, और लेफ्ट साइड से जो अंदर आ रही है पतंग वो है लखनऊ की, सैफ की पतंग। लड़ाएंगे ताकत ही का पेच। सैफ भाई मुरादाबाद ने बहुत ज़बरदस्त पतंग लड़ाई है और इंटरनेशनल में भी लड़ाई है, जाहिर सी बात है फाइनल में पहुंचे हैं तो पतंग तो अच्छी लड़ाई है। आवाज दो ऊंचा लड़ाने की कोशिश करिए, ऊंचा लड़ाने की कोशिश करिए ऊंचा। चलिए देखिए नीचे की तरफ चल रहे सैफ। चलिए और पेच बराबर हो गया है, पेच बराबर हो गया है, ये फाइनल का मुकाबला इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस आलम मुरादाबाद। अभी तक आलम मुरादाबाद इस राउंड में आगे है 2-0 से, दो कट गया है लखनऊ। और हमारे सैफुल भाई मेन एम्पायर, और ये है मुरादाबाद की टीम मुताहिर की। चलिए पेच की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों फाइनल का मुकाबला, 2-0 का स्कोर है, दो लखनऊ कट गया है और मुरादाबाद ने दो पेच काट दिए हैं। पेच सही हो गया है, तेजी से कम करते हुए लखनऊ के मेंबर भी और मुरादाबाद के मेंबर भी। ये देखिए ये पतंग है, चलिए अंदर की तरफ आ रहे तेजी से, लेफ्ट साइड पतंग लखनऊ की है तेजी से, दोनों ही मेंबर पतंग को कम कर रहे हैं। 300 से 350 की रेंज लड़ रही है ये। भैया दूसरी वाली पतंग हटा लो। चलिए करीब आ रहे दोनों ही खिलाड़ी पतंग को लेकर अपने, अभी बाहर है। पेच सही है अभी, अभी थोड़ा साइड में जाओ भैया। पेच सही है, करीब लाए अपनी पतंग को, चला रहे पतंग को सैफ, चला रहे पतंग को अपनी सैफ, पट मारा है वहाँ से सैफ ने, तेज़ मारा है सैफ ने, तेज़ मारा है, शानदार पेच। आलम मुरादाबाद ने काट दिया है और स्कोर को कर दिया है 3-0 का। तो फाइनल का मुकाबला 3-0 का स्कोर है, तीन मुरादाबाद ने काट दिए हैं। नीचे से मुरादाबाद पेच कर रहा है, राइट साइड पर जो अंदर आ रही है वो मुरादाबाद के, लेफ्ट साइड पर जो आ रही है वो है लखनऊ की। मोनू पेश कर रहे हैं मुरादाबाद के, वो लखनऊ की तरफ से, और मुताहिर भाई पेश कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। तीनों ही पेच इन्होंने ही काटे हैं, शानदार पेच काटे खींच के, पेच सही है, ये पतंग को कम कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। चलिए नीचे आए हैं मोनू भाई, अंदर ही की तरफ बढ़ रहे हैं मोनू भाई। चलिए नीचे आ रहे हैं मोनू भाई, अभी सिर्फ पतंग का दोनों ही खिल मेंबर पतंग को कम कर रहे हैं। चलिए देखिए, चले मोनू भाई, तेज मोनू भाई ने खड़ा अंदर मारा है गद्दा, और शानदार पेच मोनू भाई ने काट दिया और स्कोर को कर दिया 3-1 का। तो फाइनल का मुकाबला इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस आलम मुरादाबाद के बीच में जो चल रहा है ये है, देखिए ये क्रिच के खड़े हुए हैं मुरादाबाद के मेंबर हैं आलम भाई। बहुत शानदार पेच इससे पहले इन्होंने काटा था सेमीफाइनल के मुकाबले में। चलिए और ये सैफ भाई, अब चलते हैं पेच की तरफ। चलिए पेच शुरू हो गया, फाइनल का मुकाबला 3-1 का है। सैफ पेच कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से और आलम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। हाथ का मुड्ढा उठा रहेंगे ऊपर वाले तो पेच सही हो जाएगा। चलिए पेस सही हो गया,
पेच सही है। फाइनल का मुकाबला 3-2, 3-1 भाई। आजम भाई लड़ा रहे हैं, आलम भाई नहीं, आजम भाई। चेहरे ही पे रख रहे हैं। मुरादाबाद के मेंबर सिर्फ चेहरे ही पे रख रहे हैं बदन को। सही होने के बाद तो कुछ भी लड़ा सकते हैं। बढ़िया पेच काट दिया, बढ़िया पेच मुरादाबाद के मेंबर ने पेच काट दिया। 4-1 का स्कोर कर दिया है। फाइनल का मुकाबला इंटरनेशनल लखनऊ वर्सेस मुरादाबाद। मुताहिर पेच करेंगे मुरादाबाद की तरफ से। स्कोर है 4-1 का। मोनू भाई पेच करने आए हैं लखनऊ की तरफ से और मुताहिर भाई पेच करने आए हैं मुरादाबाद की तरफ से। चलिए तो अब पेच की तरफ चलते हैं। चलिए 4-1 का स्कोर है। 4 मुरादाबाद ने काटे हैं, 1 लखनऊ ने काटा है। मोनू भाई पेच कर रहे हैं, पेच सही हो गया है। आलम ये कर रहे हैं मुरादाबाद के, मुताहिर भाई पेच कर रहे हैं। पेज सही कम कर रहे हैं अपनी पतंग को। मोनू भाई, मोनू भाई तेजी से आते हुए अंदर की तरफ चल रहे हैं, बाहर की तरफ। मोनू भाई तेज, मोनू भाई ने गद्दा मारा, तेज गद्दा मारा, झटक दिया, शानदार। मुताहिर भाई ने शानदार पेज काट दिया और स्कोर हो गया है 5-1 का। चलिए फाइनल का मुकाबला मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ 5-1 का है स्कोर। 5 काट दिए हैं मुरादाबाद ने और लखनऊ ने काटा है 1। 1 मोनू भाई ने काटा था। रिजवान भाई पेच कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं रिजवान भाई। रिजवान भाई शानदार पेच, रिजवान भाई ने शानदार पेच काटा और स्कोर को कर दिया 5-2 का। शानदार पेच रिजवान भाई ने काटा है। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला 5-2 का स्कोर है। रिजवान भाई पेच कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से और आजम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। फोर्थ आया है हीरो काइट क्लब और थर्ड आया है स्पीड काइट क्लब। पेच सही हो गया है। लेफ्ट साइड से जो अंदर आ रही है वो रिजवान भाई की पतंग है और राइट साइड से जो पतंग है वो है आजम भाई की मुरादाबाद के। भारी पतंग उड़ाए हुए हैं रिजवान भाई, फंसाने ही की कोशिश रिजवान भाई करने की है कि जैसे ही उतरेंगे झटकते हुए या निकलेंगे या फंसाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पेज सही, पेज सही। देखिए गद्दा दिखा रहे हैं आप, ये गद्दा मारेंगे नहीं पूरा, सिर्फ दिखाते हैं लोग गद्दा। देखिए निकल गए, गद्दा मारते नहीं है, दिखाते हैं सिर्फ। अनुभवी खिलाड़ी है, 50+ एज है और अपना अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखाते हैं गद्दा लेकिन मारते नहीं है। भारी पतंग है, बहुत सुकून से पतंग को उड़ा रहे हैं। शानदार पेच कल भी काटे थे सेमीफाइनल के मुकाबले में, अब फाइनल खड़ा है मामला। देखिए पीछे के झोल पे उतर गए, देखिए पीछे के झोल पे उतरेंगे, देखिएगा। ये देखिए झोल लिए और क्रॉस पट मारा है, देखिए कितना शानदार पेच। गद्दा ही मार दिया, उतरे नहीं, गद्दा मार दिया और 6-2 का स्कोर कर दिया है फाइनल के मुकाबले में मुरादाबाद ने। दोस्तों फाइनल का मुकाबला 6-2 का स्कोर है। 6 काटे हैं मुरादाबाद ने और 2 काटे हैं लखनऊ ने। फाइनल का मुकाबला है, बहुत शानदार पतंग मुरादाबाद लड़ा रहा है। पेज सही हो गया दोस्तों, कितनी तेज पतंग अंदर आ रही है मुरादाबाद की राइट साइड से। तेजी से अंदर की तरफ मुरादाबाद जगह लेता हुआ और ऊपर ही ऊपर रख रहे हैं लखनऊ के मेंबर सैफ। पतंग को थोड़ा सा रेंज में डाल दिया मुरादाबाद ने, तकरीबन 500 पे। तेजी से पतंग को कम कर रहे हैं, अब नीचे आ रहे हैं लखनऊ के मेंबर पतंग को लेके। चलिए तेज गद्दा मारा है, तेज लखनऊ ने गद्दा मारा है तेज और शानदार पेच मुरादाबाद ने काट दिया और स्कोर को कर दिया 7-2। दोस्तों फाइनल का मुकाबला 7-2 का स्कोर है। 7 मुरादाबाद ने काट दिया, 2 काटे हैं लखनऊ ने। रिजवान भाई पेच कर रहे हैं, पेच सही हो गया है।
रिजवान भाई, क्या रिजवान भाई पेच काटेंगे? 7-2 का स्कोर है। तेजी से अंदर की तरफ, राइट साइड पे अंदर जो पतंग आ रही है बहुत तेजी से मुरादाबाद की है। रिजवान भाई ऊपर से, झुकाई दे रही मुरादाबाद के मेंबर ने। तेज खड़ा गद्दा मारा है और ये पेच बराबर। अरे भाई बहुत बढ़िया है, शानदार पेच काट दिया है लखनऊ ने, शानदार पेच लखनऊ ने काट दिया है। वे पतंग डोर फेंकी थी, डोर फेंकी थी, डोर फेंकी थी भाई, बहुत जबरदस्त डोर फेंक दी थी रिजवान भाई ने। का मुकाबला शुरू हो गया है, स्कोर है 7-3 का। नीचे थे लेफ्ट साइड पे जो है वो है इंटरनेशनल लखनऊ की, मोनू भाई पेच कर रहे हैं और आजम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। चेहरे की तरफ रख के आ रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर। चेहरे को घेर रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर। नीचा कराया मोनू भाई ने, आजम भाई शानदार पतंग लड़ा रहे हैं। सेमीफाइनल में भी जबरदस्त पेच काटे थे इन्होंने, रेंज में काटे थे पतंग को। चेहरे की तरफ आ रहे मोनू भाई, 7-3 का स्कोर, 7-3 का स्कोर। उतर गए मोनू, झटकते हुए जा रहे हैं। शानदार पेच मोनू ने काट दिया, स्कोर को कर दिया 4-7 का। दोस्तों फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया है, 7-4 का है ना, 7-4 का स्कोर है। पेच सही हो गया है, मोनू भाई पेच कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से और आजम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। काफी अंधेरा हो गया है, चार सात। याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे जो पतंग आ रही है वो मुरादाबाद, वो लखनऊ की है। अंदर से उतर गए हैं आजम भाई, शानदार पेच मुरादाबाद, वो लखनऊ ने काट दिया है मुरादाबाद, ये पेच कट गया, स्कोर हो गया 5-7। दोस्तों फाइनल का मुकाबला 7-5 का स्कोर है, 7 काटे हैं मुरादाबाद ने और 5 काटे हैं लखनऊ ने। ये है स्क्रीन पे जो है वो है मुरादाबाद के मेंबर, मुरादाबाद के मेंबर हैं। चलिए अब लखनऊ की तरफ चलते हैं, मोनू भाई हैं पेश, मोनू भाई करेंगे। लखनऊ की तरफ से रिजवान भाई चरखी पकड़े जो इनके बड़े भाई भी हैं, और देखिए जो उधर खड़े हैं वो हैं मुताहिर भाई, बहुत शानदार पतंग पूरे टूर्नामेंट में लड़ाई है। दोस्तों फाइनल का मुकाबला 7-5 का स्कोर है, 7 काटे मुरादाबाद ने और 5 काटे लखनऊ ने। मोनू भाई पेच कर रहे हैं लखनऊ की तरफ से और अमन भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। चलिए पेच सही हो गया है, अंदर की तरफ जो लेफ्ट साइड पर आ रही है वो लखनऊ की है और राइट साइड पर पतंग है मुरादाबाद की। चेहरे की तरफ जा रहे हैं तेजी से, बीच में रख के गद्दा मारने की कोशिश, तो ज़्यादा जगह नहीं दे ले रहे हैं मुरादाबाद के मेंबर, साथ साथ चल रहे हैं लखनऊ की पतंग। और शानदार पेच काट दिया है, शानदार पेच काट दिया है लखनऊ ने और स्कोर कर दिया है 6-7 का। मोनू भाई ने पेच काटा है, शानदार पेच काटा है और स्कोर को 6-7 का कर दिया है। तो फाइनल का मुकाबला जो कि अब 7-6 का स्कोर हो गया, 6 लखनऊ ने काटे हैं और 7 काटे हैं मुरादाबाद ने। स्क्रीन पे आप मुरादाबाद की टीम को देख रहे हैं, मुरादाबाद की तरफ से अमन शायद पेच करेंगे, इससे पहले भी अमन ही ने किया था, मोनू भाई ने शानदार पेच काटा था। और अब चलते हैं इंटरनेशनल लखनऊ की तरफ से, ये देखिए इंटरनेशनल लखनऊ जो चरखी लिए हुए हैं वो है रिजवान भाई और उनके आगे ही उनके छोटे भाई हैं मोनू भाई, वो पेच करें नीचे तो शानदार पेच काटा था उन्होंने अभी अमन को। और अब पेच, चलिए देखते हैं पेच की तरफ चलते हैं और पेच देखते हैं। दोस्तों फाइनल का मुकाबला 7-6 का स्कोर है, पेच सही हो गया, लेफ्ट साइड पर जो पतंग आ रही है वो मोनू भाई की है लखनऊ और राइट साइड पर जो पतंग अंदर आ रही है वो पतंग है अमन की मुरादाबाद की।
कैंसिल हो चुका है ये पेज। दोनों ही मेंबर बहुत कम कर रहे हैं पतंग को। बहुत ज़्यादा कम हो गया पेज। पेज हो जाएगा लगता है। शानदार पेज मोनू ने काट दिया है और स्कोर को कर दिया 7-7 का, 7-7 कर दिया। बहुत ज़बरदस्त फाइनल के मुकाबले में स्कोर अब हो गया है ऑल ऑल। ये है मोनू भाई, इन्होंने पेज काटा है, शानदार पेज काटा है। चलिए दोनों फाइनल का मुकाबला मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ, 7-7 का स्कोर हो गया है। मुरादाबाद ने 7 काटे हैं और लखनऊ ने भी 7 काटे हैं। अब पेज करेंगे मुताहिर भाई, शानदार गेम में वापसी करी है इंटरनेशनल लखनऊ ने, जो कि 7-2 का स्कोर था, वहाँ से वापसी करी है। शानदार पतंग लड़ा दी है मुरादाबाद और लखनऊ ने, दोनों ही ने बढ़िया पतंग लड़ाई, लेकिन इधर वाल लखनऊ ने अच्छे पेज काट दिए हैं, मोनू भाई ने पेज काटे हैं। चलिए तो अब पेज की तरफ चलते हैं, 7-7 स्कोर है। फाइनल का मुकाबला 7-7 की बराबरी है, मुरादाबाद वर्सेज लखनऊ। लेफ्ट साइड से जो अंदर आ रही है वो लखनऊ की पतंग है और राइट साइड पे जो पतंग है वो मुरादाबाद की है। मुताहिर भाई पेज करें मुरादाबाद की तरफ से, पेज सही हो गया है। अंदर की तरफ आ रहे काफी रखे पतंग को, पेज सही है। फ्रंट एम्पायर सैफुल भाई ने पेज सही करा दिया है। शानदार पेज मोनू ने काट दिया, स्कोर को कर दिया 8-7 का, 8-7। लखनऊ ने बढ़त ले ली है फाइनल के मुकाबले में एक पेज की। अब एक काटना है लखनऊ को। शानदार पेज मोनू भाई ने काटा है, गेम में वापसी जबरदस्त कराई है मोनू भाई ने, स्कोर को 8-7 का कर दिया है। अब लखनऊ एक पेज की बढ़त पे, एक काट देगा फाइनल, ऑल इंडिया जीत जाएगा लखनऊ। चलिए दोस्तों फाइनल का मुकाबला चल रहा है, अब स्कोर हो गया 8-7 का, 8 काट दिए हैं लखनऊ ने और 7 काटे हैं मुरादाबाद ने। आजम भाई पे डिपेंड करता है पूरा मुरादाबाद, आजम भाई देखते हैं मुरादाबाद के लिए दोनों पेज काटते हैं एक पतंग से या मोनू काट के अपनी टीम को फाइनल और अपने आगे ऑल इंडिया लिखवाएंगे। चलिए दोस्तों फाइनल का मुकाबला 8-7, 8 काट दिए लखनऊ ने, 7 काटे मुरादाबाद ने। आजम भाई पेच करेंगे मुरादाबाद की तरफ से जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और मोनू भाई जो शानदार पतंग लड़ा रहे हैं इस राउंड में, एक ही पतंग से इन्होंने 5 काट दिया और गेम में वापसी कराई अपनी टीम को और स्कोर ऐसे जगह पे ला के खड़ा कर दिया जहां से इनके लिए नज़दीक हो गया है फाइनल और स्पीड इनके लिए मुरादाबाद के लिए थोड़ा दूर है, दो पेचों का दूर फासला है इनसे और एक पेचों का फासला है इंटरनेशनल लखनऊ से, मतलब मोनू भाई से। चलिए थोड़ी सी डोर निकालने के लिए कह रहे मेंबर, अभी डोर छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं मोनू भाई। चलिए दोनों पतंगे आ गई हैं, दोनों पतंगे आ गई हैं फाइनल का मुकाबला। लेफ्ट साइड पे मोनू भाई अंदर से आ रहे हैं, राइट साइड पे आजम भाई। 7-8, 7-8,
सात आठ, ध्यान रखिएगा सात और आठ, आठ लखनऊ ने काटे हैं, सात काटे मुरादाबाद ने। तेजी से मोनू भाई जगह ले रहे हैं, पेश सही हो गया दोस्तों। अब पूरे लखनऊ का दिल एक साथ धड़क रहा होगा मोनू भाई के साथ, और मुरादाबाद का दिल आजम भाई के साथ धड़क रहा होगा। एक से दो काटने आजम भाई को, पेच सही है मोनू भाई, ये काट देंगे, फाइनल जीत जाएंगे, ऑल इंडिया चैंपियन बन जाएंगे। मोनू भाई काफी अंदर, मोनू भाई जगह ले लिए, काफी अंदर मोनू भाई ने जगह ले ली है, पेज कैंसिल हो गया है। दोस्तों फाइनल का मुकाबला, मोनू भाई की पतंग लेफ्ट साइड से अंदर को आ रही है, राइट साइड पे जो पतंग है वो है आजम भाई मुरादाबाद की। आठ और सात का स्कोर है, आठ लखनऊ ने काटे, सात काटे हैं मुरादाबाद ने। पूरा दिल मोनू भाई के साथ सबका धड़क रहा है, पूरे लखनऊ का और आजम भाई के साथ मुरादाबाद का दिल धड़क रहा है। एक से दो काटने आजम भाई को, क्या काट पाएंगे मोनू भाई, पूरा लखनऊ इनके पीछे है इस टाइम, इनके साथ है। आठ सात मोनू भाई लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ आ रहे हैं, मोनू भाई, मोनू भाई इंटरनेशनल लखनऊ, आठ सात तेज मोनू भाई ने, और शानदार पेच काट दिया है आजम भाई ने, स्कोर को ऑल ऑल कर दिया है मुरादाबाद ने, पेच काट दिया है, ऑल ऑल कर दिया है स्कोर को। देखिए मुरादाबाद की तरफ से आजम भाई ही पेच कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पेच उन्हीं का बचा है, और लखनऊ की तरफ से पेच करेंगे हमारे रिजवान भाई। देखिए पब्लिक कितनी है रिजवान भाई के साथ, दोनों के लिए ऑल ऑल का मुकाबला, रिजवान भाई के हाथ में पूरा लखनऊ और आजम भाई के हाथ में पूरा मुरादाबाद, जो काटेगा वो जीत जाएगा। आजम भाई मुरादाबाद की तरफ से ऑल ऑल का पेच करेंगे, और उधर से रिजवान भाई, आजम भाई का दिल बहुत तेज धड़क रहा होगा इस टाइम, पूरा मुरादाबाद आजम भाई के साथ है। तो जिस चीज का सबको था इंतजार, 2024 ऑल इंडिया लखनऊ का फाइनल, आठ आठ की बराबरी, मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ, रिजवान भाई लखनऊ की तरफ से पेच कर रहे हैं और मुरादाबाद की तरफ से आजम भाई पेच कर रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। राइट साइड पे जो पतंग है वो मुरादाबाद की है, लेफ्ट साइड पे जो पतंग है वो है लखनऊ की। पेच सही हो गया है, पेच सही हो गया, ऑल ऑल का मुकाबला, आठ आठ, आठ आठ, ध्यान रखिएगा आठ आठ, ऑल ऑल का आखिरी पेच, पेच सही है, एक काटना है दोनों ही खिलाड़ियों को, जो काटेगा वो फाइनल जीत जाएगा, जो भी काटेगा फाइनल जीत जाएगा। रिजवान भाई करीब ला रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं रिजवान भाई, ऊपर चले गए हैं, सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। रिजवान भाई निकल ले, रिजवान भाई, रिजवान भाई निकल ले, और ये लखनऊ जीत गया है फाइनल, लखनऊ फाइनल जीत गया है ऑल इंडिया का, रिजवान भाई ने पेच काट दिया है।
भैया भैया पकड़ा लो, चलिए आइए, ये पकड़ा दी, पहले पकड़ा दी तब करा देंगे ग्रुप में। एक एक मोमेंटो अब करा, एक एक मिनट, और सभी को बधाई भैया, लखनऊ का मान, लखनऊ का मान सम्मान इंटरनेशनल, चलिए आज खराब हो गया।